This question has been asked in GATE 2011 EC branch. The question is, a fair dice is tossed two times. The probability that the second toss results in a value that is higher than the first toss. एक कॉइन को अपने टू टाइम्स टॉस किया है तो जो सेकंड टॉस पे वैल्यू आएगी वो फर्स्ट टॉस से ज़्यादा आनी चाहिए, राइट? बहुत अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन से स्टूडेंट्स. देखिए क्या करना है, एक डाइस को हमने कितने टाइम्स टॉस किया है, टू टाइम्स. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बन जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू 6 × 6 और यू कैन राइट 6 square, ओके, राइट? या 36 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं फेवरेबल केसेस की. फेवरेबल केसेस यहाँ हम वन बाय वन बना के देख लेंगे, हमारे लिए सबसे इजी ऑप्शन यही बनने वाला है. फेवरेबल केसेस क्या बन सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है कि सेकेंड वाले डाइस पे नंबर फर्स्ट वाले से ज़्यादा है. तो क्या हो सकता है, 1 2, राइट, 1 3 कैन बी पॉसिबल, 1 4 कैन बी पॉसिबल, 1 5 कैन बी पॉसिबल, 1 6 कैन बी पॉसिबल. इस केस में भी हमारी रिक्वायरमेंट जो हो रही है सेटिस्फाई कर रही है. 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 सेकेंड वाले डाइस पे वैल्यू फर्स्ट वाले से ज्यादा है. और वी कैन राइट 2 3 2 4 2 5 और 2 6 इस केस में भी सेकेंड वाले पे वैल्यू फर्स्ट से ज्यादा है. और वी कैन राइट 3 4 3 5 3 6 और वी कैन राइट 4 5 4 6 इस केस में भी सेकेंड वाले डाइस पे वैल्यू फर्स्ट से ज़्यादा है. और लास्ट हो सकता है 5 6 इस केस में भी सेकेंड वाले पे वैल्यू फर्स्ट से ज़्यादा है, राइट? तो ये बन सकता है 1 2 3 4 5 केसेस, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 केसेस टोटल बन सकते हैं जब आपके पास सेकेंड वाले डाइस पे वैल्यू फर्स्ट वाले से क्या हो, ज़्यादा हो, राइट? तो ये बन जाएगा हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हो गए, टोटल 15 हो गए. Now the required probability is what students, favorable by total, what is favorable 15, what is total 36, तो ये बन जाएगा 15 by 36 है. ऑप्शन में आप सॉल्व करेंगे ये बनने वाला है कितना, 5 by 12. तो ऑप्शन हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर सी.